Hello students, in this video we'll be starting chapter number 3 of our history textbook, that is the making of a global world. अब ये chapter जो CBSE की तरफ से आया है इसमें से सिर्फ एक mark का question आ रहा है, so that would definitely be a MCQ. तो जैसे जैसे हम इस chapter को पढ़ेंगे मैं आपको important lines बताती जाऊँगी जहाँ से MCQ आने के chances हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़, इस chapter में सिर्फ फर्स्ट पार्ट आ रहा है, दैट इज़ 1 का 1.1, 1.2 एंड 1.3. बाकी हमारा चैप्टर डिलीटेड है, तो अगर आपको उसकी समरी देखनी है तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी, बट इस वीडियो में हम मेनली जो चैप्टर आ रहा है उसी को कवर करेंगे. सो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. ग्लोबल वर्ल्ड क्या होता है? ग्लोबल वर्ल्ड इज़ की ऐसी दुनिया, वर्ल्ड ऐसी दुनिया जहाँ पे हर कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है. अब कनेक्टेड या तो इकोनॉमी से है, जैसे कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था नाज़िज़्म चैप्टर में, कैसे जब ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में तो उसमें जर्मनी को इफ़ेक्ट किया था, राइट? तो वैसे ही एक कंट्री में कुछ भी हो रहा है वो दूसरी कंट्री को इफ़ेक्ट कर रहा है. अब क्या ऐसा बहुत पहले से ही रहा होगा? क्या आपको लगता है कि जब से ये सब कंट्रीज़ बने हैं वैसे ही उनमें हारमोनी थी और सब एक दूसरे को जानते थे, उनके बीच में हमेशा कनेक्शंस रहे थे? तो ऐसा नहीं है. धीरे धीरे करके ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बनते गए, कनेक्शंस बनते गए, रूट्स धीरे धीरे डिस्कवर हुए जिससे कंट्रीज़ एक दूसरे को जानने लगी, उनके बीच में एक्सचेंजेस शुरू हो गए. तो चलिए देखते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब वो समय जब हम एक ग्लोबल वर्ल्ड के रूप में नहीं आए थे, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. सो व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी ऑफन रिफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ इमर्ज्ड सिंस द लास्ट 50 इयर्स और सो. अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो हम कुछ लास्ट के 50 सालों की बात करेंगे, ऑफकोर्स इंडिया के एंड उसके जो आसपास के कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड, राइट? हमारे ट्रेड में ऐसे ऐसा इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ, इकोनॉमी हमारी कितनी बढ़िया घटी, ये किस देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. लेकिन क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इन 50 ईयर्स तक ही लिमिटेड है? नहीं. बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वॉट? ट्रेड, माइग्रेशन. क्यों? क्योंकि लोग माइग्रेट करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक जगह से दूसरी जगह, इन सर्च ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़. द मूवमेंट ऑफ कैपिटल. कैपिटल यहाँ पे राजधानी वाला कैपिटल नहीं है कि किसी स्टेट का कैपिटल. यहाँ पर कैपिटल मीन्स मनी, कैश एंड मच एल्स. As we think about the dramatic and visible signs of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phases through which this world in the which we live has emerged. मतलब कि ये जो हमारा पूरा globalization का ये जो हमारा एक definition, एक term आया है, उससे पहले के भी phases को हमें समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये आया. एकदम से तो आ नहीं गया, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी वो हम इस चैप्टर में समझेंगे. ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड. फ्रॉम एंशियंट टाइम्स ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप पर्सिक्यूशन. मतलब अलग अलग लोग अलग अलग मोटिव से अलग अलग जगह जाते थे. एंड दे कैरीड गुड्स. क्या वो अपने साथ कैरी करते थे? गुड्स, कुछ सामान वगैरह, मनी, कुछ वैल्यू स्किल्स, है ना? जब हम जा रहे हैं तो कुछ प्रीच करना है, मान लो तो जैसे प्रीस्ट वगैरह लिखा है, उनको प्रीच करना है, अपने साथ नॉलेज लेके चलते थे, अपने साथ कुछ वैल्यू स्किल्स वो कैरी करते थे दूसरी कंट्री, कोई नई इन्वेंशन या जर्म्स और डिजीजेस. जी हाँ, ये भी कैरी करते थे. कैसे, हम इसको आगे पढ़ेंगे. एज अर्ली एज 3000 BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा, एन एक्टिव को. अब देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आ सकता है, या तो आपसे ये डेट पूछी जा सकती है, राइट? या एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया.
ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। और फॉर मोर देन अ मिलेनिया कौड़ी, हिंदी कौड़ी और सी शेल यूज एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। आपने मनी एंड क्रेडिट चैप्टर अगर पढ़ा है अभी इकोनॉमिक्स में, तो उसमें ये ऐसे ऐसे फॉर्म्स ऑफ करेंसी में आपने पढ़ा होगा क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी, जैसे हमारा सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, वैसे ही कौड़ी भी यूज़ की जाती थी। फ्रॉम दी मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स मे बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज द 7th सेंचुरी। बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक। मतलब कि वो बनाया तो किसी और वजह से गया था, वो हो कुछ और गया। अच्छा, इस चीज़ को हम एक और टर्म देते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे आप इसको पढ़ेंगे, दैट इज बायोलॉजिकल वॉरफेयर। मतलब कि ऐसी ट्रिक्स को अपनाना बायोलॉजिकल, मतलब जैसे अभी रिसेंटली कुछ कुछ याद है कोरोना आया था, COVID-19, ये किसने कहाँ से आया था, चाइना से आया था। दिस वॉज लाइक अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर कि हम अटैक वटैक तो कर नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक वायरस ही छोड़ दिया। अब वो धीरे धीरे करके आया, तो एक्चुअली 2019 में ही था, चाइना से यहाँ आते आते अराउंड मार्च में वो आ गया था, तभी लॉकडाउन वगैरह भी लगा था। तो ये धीरे धीरे करके पूरे जो है वर्ल्ड में फैल गया, और जो मोटिव रहा होगा इसका कि क्या इम्पैक्ट लाना है पूरी कंट्री में, एक तो पॉपुलेशन डिक्रीज करना होगा, कंट्रीज़ को बर्बाद करना, लोगों की जॉब्स छीनना, ऐसा हुआ भी, बहुत लोग की जॉब चली गई, बहुत लोगों की डेथ हो गई, कंट्रीज़ की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, राइट। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर इनकी मदद से, ठीक है ना। देयर इज़ वन फोटो पिक्चर, किस चीज़ की है ये, इमेज ऑफ अ शिप ऑन अ मेमोरियल स्टोन गोवा म्यूजियम 10th सेंचुरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ शिप, और ये जो शिप है ये कहाँ लगी है, इट इज ऑन अ मेमोरियल स्टोन, जो कि कहाँ पे है हमारा, गोवा म्यूजियम में है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मार्क का बनना है और कोर्स लिमिटेड है इस चैप्टर का, इसलिए हर लाइन इंपॉर्टेंट है। सो गोवा म्यूजियम 10th सेंचुरी। फ्रॉम द 9th सेंचुरी इमेजेस ऑफ शिप्स अपीयर रेगुलरली इन मेमोरियल स्टोन्स फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्ट इंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशनिक ट्रेड। मतलब उस टाइम तक ओशनिक ट्रेड आ गया था, तो ये उसकी इम्पॉर्टेंस को दिखाता है, ये जो शिप है उस चीज़ की इम्पॉर्टेंस को दिखाती है कि हाउ सिग्निफिकेंट वॉज ओशनिक ट्रेड एट द टाइम ऑफ द 9th सेंचुरी एंड दिस इमेज इज ऑफ द 10th सेंचुरी। सिल्क रूट्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, सिल्क रूट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक विच कनेक्टेड द वर्ल्ड, क्योंकि इससे ही धीरे धीरे एक ड्रास्टिक चेंज आया हम कह सकते हैं। द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि कैसे कैसे ट्रेड और एक कल्चरल लिंक बना बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूर दूर देश में दूर दूर से एक कनेक्शन बन गया, कैसे, बाय दी हेल्प ऑफ दी सिल्क रूट्स। अब ये जो सिल्क रूट्स, नाम सिल्क रूट्स है तो कुछ ना कुछ तो भाई लग रहा है सिल्क से रिलेटेड होगा, क्या है, द नेम सिल्क रूट्स पॉइंट्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। क्या, वेस्ट बाउंड चाइना के, ये चाइनीज सिल्क कार्गो की इंपॉर्टेंस को दिखाता है, वेस्ट बाउंड अलॉन्ग दिस रूट, जो ये सिल्क रूट के अलॉन्ग थे। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाय द सी। अभी कोई एक रूट नहीं था कि यहाँ से आपको मैप दे दिया गया ये सिल्क रूट है, नहीं, अलग अलग सिल्क रूट्स थे, या तो लैंड से और या तो सी से, निटिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। अब ये हमारा, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि इधर पड़ता है हमारा, ये हो गया हमारा अमेरिका, ये इंग्लैंड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अफ्रीका, इधर कहीं पड़ता है हमारा इंडिया, फिर चाइना
है ना। तो क्या लिखा है कि इट कनेक्टेड एशिया विथ यूरोप, तो ये जो यूरोप वाला पार्ट है इसको इधर एशिया से कनेक्ट कर दिया था, एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, मतलब ये साउथ, तो ये नॉर्दर्न अफ्रीका, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा पार्ट था ये एक तरह से कनेक्ट हो गया था, किसकी वजह से, सिल्क रूट की वजह से, ठीक है ना। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th century, आप समझ सकते हैं कितना पुराना था, और ये 15th century तक रहा भी। बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रैवल द सेम रूट एज द टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसिस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जैसे जैसे मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि चाइनीज़ पॉटरी उसी सेम रूट सिल्क रूट के थ्रू जगह जगह तक पहुँची, वैसे ही हमारे इंडियन स्पाइसेस, इंडियन टेक्सटाइल्स भी, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स भी। और उसके रिटर्न में क्या मिला हमें, गोल्ड सिल्वर। इसीलिए यूरोप और एशिया से हमें इतना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर मिला, और इसी वजह से ही भारत में इतना सोना हो गया था, इतना चांदी हो गया था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था, इतना धन था इसके पास, इतनी दौलत थी, ठीक है। और यहाँ तो क्योंकि कितनी फर्टाइल थी हमारी लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस वो परफेक्ट है ना, यहाँ पर हर वो चीज़ होती थी जो लोग जो कहीं कहीं नहीं होती थी। यूरोप में क्या ही था, मुश्किल से लाइक महीने में जैसे साल में 2 महीने ही वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जा सकती थी, और वहाँ पे ज़्यादातर ठंडी रहती है, एक्चुअली ठंडी रहती है, विंटर्स रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ क्रॉप्स उगाई नहीं जा सकती हैं। यहाँ हम कहें कि कुछ ही क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, तो इसलिए इंडिया से वो लोग ट्रेड करते थे, और इंडिया उन्हें देता था स्पाइसेस, उन्हें देता था टेक्सटाइल्स। जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी थी, और तब भी इंडिया से ही ज़्यादातर सामान गए थे, तो इसके बदले में उसे क्या मिले थे, गोल्ड और सिल्वर। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, जैसे जैसे ट्रेड किया वैसे वैसे हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस भी, जैसे कि अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल दिस रूट टू एशिया एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स फॉर अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। अब क्रिश्चियन मिशनरीज यूरोप वगैरह से जो है हमारे इधर एशिया की तरफ आने लगी इसी रूट से, आप देख रहे हैं रूट कितना इंपॉर्टेंट है, एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। अब जो मैंने मैप बनाया था अगर आपने देखा हो, ये हमारा हो गया जैसे मान लीजिए यूरोप, ये हो गया हमारा अफ्रीका, इधर कुछ हमारा इंडिया, यही बीच में हमारे अरेबियन जो है कंट्रीज़ भी पड़ती है, यमन वगैरह। तो यहाँ से तो एक तो हमारी क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी सब इधर नॉर्दर्न अफ्रीका के थ्रू, साथ ही में इधर हमारे अरब वगैरह से जो मुस्लिम हमारे कंट्रीज़ थी वहाँ से क्या आ रहे थे, हमारे मुस्लिम प्रीचर्स भी आ रहे थे अपने रिलीजन को प्रीच करने, जस्ट लाइक द क्रिश्चियन मिशनरीज। मच बिफोर ऑल दिस, और इससे पहले भी बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन दी, जो नेपाल की साइड जहाँ पे बुद्धिज्म था वहाँ से इमर्ज होते होते फिर बुद्धिज्म भी हर जगह जो है पहुँचा, सेवरल डायरेक्शंस थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन दी सिल्क रूट, सिल्क रूट के थ्रू ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। एक तो ट्रेड हुआ, साथ ही साथ क्या हुए, कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए।